वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देखिए कोल इंडिया स्टॉक का मार्केट यहाँ पे फ्राइडे के दिन काफी गिरावट, 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले, 215 पे क्लोजिंग दी थी। मीन्स यहाँ पे देखिए कोविड के यहाँ पे आने से काफी सारे स्टॉक्स में सेलिंग, मीन्स पूरे मार्केट में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, काफी बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले। तो रिसेंटली देख सकते हो कि तक हम लोग यहाँ पे चार्ट एनालिसिस निफ्टी का चार्ट भी चेक करेंगे कहाँ पे सपोर्ट है अगला, और इस वीक में देख सकते हो कि कितने सारे मिस कौन से स्टॉक में ज़्यादा गिरावट देखने को मिले उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो पी तो अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुक वैल्यू 91 रुपीज़ का है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है कंपनी का। कंपनी के ऊपर कंपनी का जो डेप्ट है वो बहुत ही कम है, नेट प्रॉफिट 26,000 करोड़ के ऊपर है जो कि अच्छा है, ईपीएस ₹42 का है। तो देख सकते कि प्रॉफिट ग्रोथ 39% ऑफ है, सेल्स ग्रोथ जो है 27% ऑफ है, इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 8,000 करोड़ के ऊपर, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फिर यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी भी अच्छा है 0.07 जो कि बहुत ही अच्छा है डेप्ट टू इक्विटी। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं कि 215 को ब्रेकआउट देते हैं स्टॉक मंडे के दिन, तो 210 तक गिरावट देखने को मिलेगी, 210 भी यहाँ पे सपोर्टिव लेवल है कोल इंडिया के लिए। निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो निफ्टी देख सकते कि 17,800 लेवल सपोर्टिव है, उसके नीचे गैप डाउन से ओपन होती है निफ्टी तो काफी गिरावट और भी देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, 17,650 लेवल पे अगला सपोर्ट लग सकता है। फिर चार्ट के ऊपर हम लोग ने नजर डाली है तो कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे ज्यादा गिरावट देखने को मिले इस लास्ट 5 डेज के अंदर, तो इन्फीबीम एवेन्यूज है 25% की, राष्ट्रीय केमिकल्स है उसमें भी 22% की, डिफॉक फर्टिलाइजर्स है उसमें भी 22% की गिरावट, फिर बैंकिंग स्टॉक में भी काफी गिरावट हो चुकी है।